नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि मिट्टी किसी भी क्षेत्र के भूपृष्ठ की ऊपरी असंगठित परत होती है जो कि मूल चट्टानों व क्षेत्र विशेष की वनस्पति के योग से मिलकर बनी होती है, अर्थात क्षेत्र विशेष में पाई जानी वाली चट्टानों के अपक्षय व अपघटन से जो उसका चूर्ण प्राप्त होता है वो चूर्ण अर्थात शेलों के कणों और क्षेत्र विशेष की वनस्पति जो वहाँ की मिट धरातल पर गिर जाती है और गिरने के बाद वो सड़ गल कर उस चट्टानी चूर्ण में मिल जाती है, क्षेत्र विशेष की मिट्टी या मृदा का निर्माण करती है। इसी कारण किसी भी क्षेत्र की मिट्टी के अंदर वहां पाई जाने वाली वनस्पति और वहां खास तौर से वहां पाई जाने वाली चट्टानों की विशेषताएं उस क्षेत्र विशेष की मिट्टी में पाई जाती हैं, क्योंकि वास्तव में मिट्टी का निर्माण शेल कणों से होता है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अंदर कुल 8 प्रकार के मिट्टी प्रभागों के बारे में जाना, जिसमें से हमने राजस्थान की मिट्टी के 3 मंडलों को पिछले वीडियो में पढ़ लिया, बचे हुए 5 मंडलों को हम इस वीडियो में देखेंगे। चौथे प्रकार का जो मिट्टी का मंडल है राजस्थान में वह है लाल लोमी प्रकार की मिट्टी। लाल लोमी प्रकार की मिट्टी राजस्थान के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलती है, खास तौर से ये राजस्थान के डूंगरपुर के क्षेत्र के अंदर, उदयपुर के क्षेत्र के अंदर और राजसमंद के कुछ दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर लाल लोमी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह डूंगरपुर उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी प्राचीन स्फटिकीय और कायंत्रित चट्टानों से निर्मित हुई है, क्रिस्टलाइज्ड। स्फटिकीय का मतलब जो क्रिस्टलाइज्ड चट्टानें होती हैं, खास तौर से आग्नेय चट्टानें से निर्मित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गहराई और उर्वरा शक्ति की विषमता देखने को मिलती है। लौह ऑक्साइड और फास्फोरस की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। वैसे राजस्थान की मिट्टियों में ज्यादातर मिट्टियां उर्वर नहीं है, उनके अंदर पोषक तत्वों की लगातार कमी देखने को मिलेगी। आप जितने भी मिट्टियों का प्रभाग पढ़ेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि राजस्थान की मिट्टियों के अंदर पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। यह मिट्टी लोह कण के सम्मिश्रण के कारण लाल रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। औसत रूप से इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि कम पाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लाल मिट्टी की गहराई अलग अलग पाई जाती है। इसमें उर्वरा शक्ति विभिन्न स्थानों पर विषम होने के कारण विभिन्न फसलें जैसे मक्का, चावल, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। अगला जो हमारा मिट्टी का प्रकार है वह मिश्रित लाल व काली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मिश्रित रूप से लाल व काली मिट्टी दोनों का विस्तार पाया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि राजस्थान के इस क्षेत्र में, खास तौर से इस क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र आता है ये तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाता है, इस वजह से मैं इसे दक्षिणी पूर्वी तो कह नहीं सकता। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तो ये है, ये वाला क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र में खास तौर से बांसवाड़ा का क्षेत्र, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र और भीलवाड़ा के क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। यह मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भागों में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों में देखने को मिलती है। लाल मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। वास्तव में जब आप संरचना पढ़ेंगे, खास तौर से हमने जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, तो यहाँ पे ये वाला जो पठारी क्षेत्र हमने देखा था इसे हमने हाड़ौती का पठार कहा, जबकि वास्तव में ये पूरा क्षेत्र, यहाँ से आप देखेंगे मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र, ये ऊपर का पूरा क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल के अंदर प्रायद्वीप के पठार का क्षेत्र पढ़ेंगे, उस प्रायद्वीप के पठार के क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है जिसे हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, क्योंकि हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे इसलिए हमने मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ा, पर ये वास्तव में जो क्षेत्र आता है यहाँ पर, ये खास तौर से ये पूरा मालवा का पठारी क्षेत्र है। इस मालवा के पठारी क्षेत्र के कारण ही यहाँ पर लाल व काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और जैसा कि इसमें बताया भी गया है कि ये मालवा के पठार की काली मिट्टी के विस्तार के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लाल मिट्टी मिलती है और मालवा के पठार की काली मिट्टी का इसमें मिश्रण होता है, इस वजह से इस मिट्टी का रंग लाल व काला पाया जाता है।
ये आमतौर पर हल्के गठन वाली होती है और चूने के संग्रंथन से रहित होती है, अर्थात इसके अंदर चूना नहीं पाया जाता, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। कई जगह आपको चूना लिखा मिलेगा, कई जगह आपको उसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट लिखा मिलेगा, कई जगह वहां पे उसकी जगह कार्बोनेट भी लिखा मिलेगा। तो आप इस चीज को समझ के चलें। यह है बालुई मटियार अथवा बालुई दोमट के रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी के प्रकार होते हैं। इसमें साधारणतया फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। विभिन्न स्थानों पर इसकी उर्वरा शक्ति व गहराई में भी विषमता पाई जाती है। काली मटियार मिट्टियों की किस्म अच्छी नहीं होती, किस हिसाब से, कृषि के हिसाब से अच्छी नहीं होती। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का इत्यादि फसलें प्राप्त की जाती हैं। राजस्थान की मिट्टियों में वैसे फसलें तो होती हैं, पर एक जब हम देखते हैं कि दोआब क्षेत्र की मिट्टी देखें, नदियों द्वारा लगातार बहा कर लाई गई मिट्टी, जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, तो उनसे यदि हम कल्पना करें तो राजस्थान की मिट्टियां हमेशा हमें पिछड़ती हुई ही दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की मिट्टियों में फसलें नहीं होती, नहीं होती हैं, पर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उन क्षेत्रों के मुकाबले हमारी मिट्टियों के अंदर कई कई बार उपजाऊ तत्वों की कमी देखने को मिलती है। अगला मिट्टी का जो विभाग है वो है मध्यम काली मिट्टी। ये राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है, जहां ये मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियार और दोमट के रूप में मिलती है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर, यह हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। आपने राजस्थान के जो भौतिक विभाग पढ़े थे उसके अंदर इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था कि यह हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। इसके अंदर खासतौर से बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भीलवाड़ा जिले का कुछ भाग जो कि बूंदी जिले की सीमा से लगता हुआ है, उसके अंदर भी इस मिट्टी का कुछ क्षेत्रों में विस्तार देखने को मिलता है। ये मिट्टी मध्यम काले रंग की प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एकदम गहरे काली तो नहीं है, पर मध्यम काली मिट्टी है ये। काली मिट्टियों और कछारी मिट्टियों के मिश्रण नदी घाटियों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान का खास तौर से ये क्षेत्र, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें भी खास तौर से हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, आप देखेंगे कि यहाँ पे चंबल एक सदाबहार नदी है और चंबल की कई सारी यहाँ पर सहायक नदियां पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे लगातार मिट्टी का नया निर्माण होता रहता है। जब वर्षा काल में पानी मिट्टियों के ऊपर बहने लगता है तो नई प्रकार की मृदा का वो जमाव करता है। इस वजह से इस क्षेत्र में, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टियां नदी घाटी क्षेत्र में मिलती हैं और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है खास तौर से यहाँ कई प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं, तो देखा जाए तो ये राजस्थान का नदी घाटी वाला क्षेत्र ही है। सामान्यतः इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश की मात्रा इनमें पर्याप्त पाई जाती है। ये मिट्टी कृषि पद्धतियों के अनुरूप व्यवहार करती है और व्यापारिक फसलों के लिए अच्छी उपज देती है। देखा जाए तो राजस्थान के इस क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टियां दूसरे क्षेत्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अच्छी मिट्टियां हैं और यहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं, क्योंकि पानी हमेशा मौजूद रहता है। तो देखा जाए तो एक साल में जो तीनों प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद की, वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मिट्टी तुलनात्मक रूप से दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? वो उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता मिलती है। जहाँ पानी की उपलब्धता मिलती है वहां वनस्पति का आवरण देखने को मिलता है। जहाँ वनस्पति का आवरण देखने को मिलता है तो आपको पता ही है किसी भी क्षेत्र की मिट्टियों का जो निर्माण होता है क्षेत्र विशेष की चट्टानों के चूर्ण और वनस्पति के योग से होता है। जहाँ वनस्पति उपलब्ध होगी वहां की मिट्टियां स्वतः ही अच्छी होंगी। सतही रंग के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारी मिट्टी, यह मिट्टी सतह पर चिकनी है जबकि नीचे की परतों में मटियार व दोमट पाई जाती है। ऊपर से चिकनी देखने को मिलती है। आप क्षेत्र में जब गए होंगे वर्षा काल के अंदर या सिंचाई काल में जब मिट्टी को देखेंगे तो उसमें चिकनापन मिलेगा, पर जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, खोदते चले जाएंगे, तो वो मटियार व दोमट किस्म की निकलकर सामने आएगी। ये मिट्टी धूसर भूरे रंग की मिट्टी के रूप में काफी गहराई तक मध्य की परतों में क्षितिजीय रूप से मिलती है तथा पीली भूरी से भूरे रंग की मिट्टी में निम्नतम गहराई की परतों में मिलती है।
अगला है मध्यम भारी मिट्टी। इस मिट्टी का सतही रंग धूसर भूरे से भूरे रंग के बीच में होता है, धूसर मतलब हल्के भूरे से भूरे रंग के बीच में होता है। कुछ स्थानों पर इस मिट्टी के कण काफी गहराई तक देखे जा सकते हैं। इसका सतही गठन काफी सरल होता है, पीली और लाल हल्की मिट्टी। यह मिट्टी सतह पर पीले व हल्के लाल रंग की होती है, लेकिन गहराई के साथ रंग में विषमता आती चली जाती है, जो इसकी परतों में परिलक्षित होती है। जब इसकी गहराई में खोदते हैं और परतों के रूप में जब एक खोदते चले जाते हैं, तो वहां परतों के रूप में इसके रंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। 15 से 20% तक दोमट से चिकनी दोमट के रूप में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उपरोक्त इन तीनों मिट्टियों में पर्याय जैविक पदार्थ कार्बनिक व नाइट्रोजन की मात्रा निम्न से मध्यम तक पाई जाती है। यह उपजाऊ है, इसलिए इसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे जब राजस्थान की मिट्टियों में सर्वथा पोषक तत्वों का अभाव था, बहुत कम मात्रा में थे, पर इस क्षेत्र की राजस्थान के खास तौर से इस क्षेत्र की मिट्टियों में कुछ हद तक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये अच्छी उपजाऊ मिट्टियां हैं। इस वजह से देखा जाए तो राजस्थान के जो कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है वो खास तौर से इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और राजस्थान में जो खास तौर से चावल का उत्पादन होता है वो इस क्षेत्र में अच्छा देखने को मिलता है। चावल का उत्पादन देख सकते हैं आप, सोयाबीन का उत्पादन देख सकते हैं आप, इन क्षेत्रों में वो ज्यादा देखने को मिलता है। गेहूं की खेती भी होती है, अच्छी होती है, अच्छा उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और पानी की उपलब्धता सर्वथा यहाँ मिलती है। अगला मिट्टी का प्रभाग है हमारा कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भागों में मुख्यतः भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप यहां देखते हैं, यह है टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर और धौलपुर। सवाई माधोपुर के इस क्षेत्र में ऊपर, ये बहुत छोटा सा क्षेत्र था, इस वजह से मैंने इसे मानचित्र में दिखाया नहीं है, पर सवाई माधोपुर के कुछ एक क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह लाल रंग की होती है, चूना और फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर भी। यह गठन में मटियार से रेतीली दोमट प्रकार की होती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक की मिट्टियां पीले अथवा लाल रंग की देखी जाती हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग वहां पाए जाते हैं जहां पर जल स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जल जब जमीन के नीचे जाता है तो वाष्पीकरण जो होता है तो वो ऊपर की ओर होता है, साथ में लवण वो ऊपर लेके आ जाता है जल, और जब लवण जल ऊपर लेके आ जाता है तो वाष्पीकरण के कारण जल तो सूख जाता है, पर वो जो मृदा के नीचे के लवण है वो उसके ऊपर मृदा की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर लवणीयता की समस्या या ऊसर की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। मिट्टियों की ऊपरी परतों में पीला, भूरा अथवा गहरा रंग होता है। इन मिट्टियों का गठन बलुई कांप से बलुई चीका कांप तक पाया जाता है। कृषि के लिए उपयुक्त हैं, बशर्ते कि पानी की उपलब्धता समय पर मौजूद हो। अगला मिट्टियों का जो प्रभाग है राजस्थान में, जिसे एक तरह से अंतिम प्रभाग है राजस्थान का मिट्टियों में, कई पुस्तकों में मैंने आपको बताया, 9 प्रभाग भी दे रखे हैं, पर लाजपत राय भल्ला की जो राजस्थान की पुस्तक है उसके अंदर 8 विभागों में ही मिट्टियों का बांटा गया है, और मूलतः 8 ही मंडल माने जाते हैं राजस्थान में मिट्टियों के। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, यह राज्य के अलवर, भरतपुर जिले की उत्तरी भाग, गंगानगर जिले के मध्य भाग और हनुमानगढ़ जिले के मध्य भाग में मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप देख सकते हैं मानचित्र में भी, यह अलवर का क्षेत्र है, अलवर में इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये भरतपुर के कुछ क्षेत्र में, ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है, गंगानगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, रेतीली भूरी कछारी मिट्टी। सामान्यतः इसका रंग कुछ लालाई लिए हुए, भूरापन लिए हुए होता है। इसमें चूने, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इन भागों में राजस्थान की व्यापारिक व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। गंगानगर की जलोढ़ मिट्टी से कपास और गेहूं की उपज भी
प्राप्त की जाती है। देखा जाए तो वर्तमान समय में राजस्थान में गंगानगर में कृषि का बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, खास तौर से अब राजस्थान के इस क्षेत्र में, चाहे गंगानगर हो या पश्चिमवर्ती राजस्थान का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद यहाँ पे जलापूर्ति की ज्यादा समस्या नहीं है। अब राजस्थान के जो पश्चिमवर्ती जिले हैं, जैसे बीकानेर का हो, जैसलमेर का हो, बाड़मेर का क्षेत्र का हो, वहां की मिट्टियों के अंदर बलुई मिट्टी या बालूपन की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से वो इतनी उपजाऊ नहीं होती। पर खास तौर से ये हनुमानगढ़ का क्षेत्र, गंगानगर के कुछ क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे हमने घग्गर का मैदानी क्षेत्र पड़ा था, घग्गर का जो क्षेत्र था, घग्गर नदी का, उस क्षेत्र के अंदर, आसपास के क्षेत्र के जो मृदा पाई जाती है वो अच्छी और उपजाऊ मृदा पाई जाती है। अधिकांश कृषि खास तौर से गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में उसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा, और आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से और इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से राजस्थान के मिट्टी के बारे में, राजस्थान के मिट्टी प्रभागों के बारे में समझ चुके होंगे। मानचित्र के द्वारा मैंने आपको मिट्टियों का विस्तार के बारे में समझाया, प्रत्येक मिट्टी की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो भी मैंने आपको बताई, और आगे आप लोग इस चीज को अपने नोट्स में नोट करते हुए चलें और याद रखें, क्योंकि इसके अंदर से कई प्रकार के सवाल बनते हैं, और न केवल आपकी परीक्षा के लिए सवाल बनते हैं, अपितु इस प्रकार के जो अध्याय हैं, खास तौर से राजस्थान के अध्याय, हम कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी देख सकते हैं। राजस्थान के सवाल जीके में बहुतायत में पूछे जाते हैं, और आजकल तो बड़े गूढ़ता से राजस्थान के अंदर बड़ी गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।